आफ्टर द कंडीशन ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस हम देखते हैं गाउट के बारे में। गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन या फिर आप बोल सकते हो मल्टी क्रिस्टल फॉर्मेशन डिपॉजिटेड हो जाते हैं कहाँ पे, जॉइंट में, किसके क्रिस्टल, यूरिक एसिड के। सो मेनली ये डिजीज कंडीशन रिलेटेड टू है यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल जो कि कितना रहता है 250 to 750 mg। सो मेनली वहां पे 750 mg से भी ज्यादा हो जाएगा। सो उसको हम बोलते हैं गाउट। सो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द कंडीशन इन विच डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड mainly in the synovial joint or in the tissues। ओके, मेनली क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगी यूरिक एसिड की कहां पे, जो आर्टिकुलेटिंग ज्वाइंट है या फिर आप बोल सकते हो साइनोवियल ज्वाइंट है, वहां पे देखने को मिलेगा क्या, यूरिक एसिड की डिपोजिशन। अब बात आती है कि वहां पे दो कंडीशन हो सकती है या फिर आप बोल सकते हो वहां पे टू टाइप्स रहते हैं किसके, गाउट के। एक तो रहता है प्राइमरी, जिसमें क्या होता है ओवर प्रोडक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में किस चीज की, यूरिक एसिड की, और जिसके कारण वो कहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है इन द ज्वाइंट कैविटी। सेकेंड वन बात आती है, कुछ ऐसी मेडिसिन रहती हैं जो क्या करती हैं यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं हमारे ब्लड में और वहां पे कॉज कर देती हैं हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन। इट मींस इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। सो ये दो टाइप रहते हैं किसके, गाउट के। सेकंड वन है टाइप्स, कौन कौन से हैं, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। सो प्राइमरी में क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ही क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड। एंड सेकेंड वन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, कैसे, ड्यू टू सम मेडिसिंस दैट कॉज, क्या कॉज करती हैं वो, हाइपर यूरिसीमिया। ओके, सो ये रहते हैं इसके टू टाइप्स, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी इट मींस हमारी खुद की बॉडी में ही क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का ज्यादा लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है। सेकेंड वन है एक्यूमुलेट हो रहा है यूरिक एसिड इन द ज्वाइंट कैविटी, कैसे, थ्रू एनी मेडिकेशन जो क्या करते हैं हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशंस वहां पे कर देती हैं। सो ये क्या था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन टाइप्स ऑफ द गाउट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ द गाउट हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर एंड द कॉजेज। सो मेन जो कॉज रहता है गाउट का वो रहता है रिच प्यूरिन डाइट। इट मीन्स जो रेड मीट है, सी फूड है, अगर उनका ओवर कंजप्शन किया जाए सो वहां पे हो सकता है गाउट। सो फर्स्ट कॉज क्या रहेगा इसका, कॉजेज, फर्स्ट रहेगा ओवर यूज ऑफ प्यूरिन डाइट। प्यूरिन डाइट कौन कौन से आते हैं इसमें, रेड मीट, सी फूड्स। ओके, इट मींस ओवर यूज हो रहा है या फिर ओवर कंजप्शन हो रही है प्यूरिन डाइट की, रेड मीट लाइक सी फूड, उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आर्टिकुलेटिंग ज्वाइंट में। सेकेंड वन, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी वहां पे कॉज कर सकता है गाउट। नेक्स्ट वन आता है रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, एनी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है आपका
एज. ओके, जो गाउट है वो मेनली देखने को मिलता है मेल्स में रेदर देन द वीमेन्स. सो मेनली एज फैक्टर भी वहां पे कॉज कर सकता है. नेक्स्ट वन आता है हेरिडिटरी फैक्टर. हेरिडिटरी फैक्टर. सो ये सारे क्या थे, कॉजेज ऑफ द गाउट. सबसे पहले मेन याद रखना है प्यूरिन डाइट. दैट्स वाई इन केस ऑफ गाउट वहां पे देते हैं लो प्यूरिन डाइट. इट मीन्स जिसमें जिस जिस डाइट में प्यूरिन रहता है उसको हम वहां पे बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं. वो क्या रहती है, इसकी ट्रीटमेंट रहती है. सो आफ्टर द कॉजेज ऑफ द गाउट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम कि गाउट मेनली हमारी बॉडी में करता क्या. सो आफ्टर द कॉजेज ऑफ द गाउट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम. सो देर आर मेनली फोर साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द गाउट. सबसे पहले आता है वहां पे गाउटी अर्थराइटिस. इट मीन्स गाउट के साथ साथ वहां पे देखने को मिलेगा अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन द ज्वाइंट कैविटी. सो सबसे पहले क्या रहेगा वहां पे, गाउटी अर्थराइटिस. ओके, सेकंड वन आता है टॉफी. वहां पे देखने को मिलेगा टॉफी. अब टॉफी क्या है, खाने वाली टॉफी नहीं है. क्या रहता है टॉफी, मेनली जो क्रिस्टलाइन डिपोजिशन हो जाती है कहां पे, यूरिक एसिड की. मेनली कहां पे, जो रिस्ट ज्वाइंट है, फिंगर्स हैं, टोज हैं, ईयर लोब है, मेनली वहां पे देखने को मिल जाती है क्या, टॉफी कंडीशन. डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स, फिंगर्स, टोज एंड द ईयर लोब्स. ओके, मेनली यहां पे देखने को मिल जाएगा टॉफी कंडीशन. थर्ड वन आता है, वहां पे देखने को मिलेगा गाउटी नेफ्रोपैथी. इट मींस जो किडनी है वहां पे भी हो जाएगी डिसऑर्डर या कोई डिजीज कंडीशन, गाउटी नेफ्रोपैथी. एंड द लास्ट वन रहता है यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई. ओके, इट मींस यूरिक एसिड का लेवल अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है सो वहां पे कहीं ना कहीं वो कॉज करेगा किडनी स्टोन. आपको पता है किडनी स्टोन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स रहती है जिसमें मोस्ट कॉमनली कैल्शियम ऑक्सेलेट रहती है, बट मेनली वहां पे यूरिक एसिड के भी क्रिस्टल देखने को मिलते हैं. सो वहां पे कॉज कर सकता है वो रीनल कैलकुलाई, नेक्स्ट गाउटी नेफ्रोपैथी. और अगर हम इनके अलावा अगर और की बात करें सो वहां पे स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, वार्म्थ, वेट लॉस बिकॉज ड्यू टू इन्फेक्शन. इन्फेक्शन है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होएगा, उसका वेट लॉस वहां पे हो सकता है, फीवर की कंडीशन वहां पे हो सकती है. सो ये सारे क्या रहे हैं, साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द गाउट, जिसमें हमने मेनली चार साइन देखे, गाउटी अर्थराइटिस, टॉफी देखा, थर्ड वन गाउटी नेफ्रोपैथी, एंड द लास्ट वन इज द यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई. इट मीन्स रीनल में, किडनी में भी वो वहां पे स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है. सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. आफ्टर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द गाउट हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. क्या क्या डायग्नोसिस हम वहां पे कर सकते हैं, फर्स्ट वन आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, एक्सरे. कौन सा, मेनली जो ज्वाइंट अफेक्ट हुआ है उसका हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड. बिकॉज मैंने आपको बताया यूरिक एसिड वहां पे आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, सो साइनोवियल फ्लूइड में वो प्रेजेंट रहेंगे. BUN बन कर सकते हो आप वहां पे, यूरिया देख सकते हो, यूरिक एसिड का लेवल देख सकते हो, CBC ESR, ये सारे ओवरऑल टेस्ट आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो. सो क्या क्या रहेगा इसमें, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. सबसे पहले आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें वही सेम चीजें करोगे, क्या क्या, इंस्पेक्शन, पालपेशन, बिकॉज टेंडरनेस, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्म, वो सारी चीजें वहां पे दिखेंगी. सेकंड वन इज द हिस्ट्री टेकिंग, बिकॉज हेरिडिटरी फैक्टर है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा उसकी कोई पास्ट, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, या फिर उसके कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं हुआ है.
थर्ड वन इज द एक्सरे, एक्सरे ऑफ द अफेक्टेड ज्वाइंट, अफेक्टेड ज्वाइंट. नेक्स्ट वन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ साइनोवियल फ्लूड. साइनोवियल फ्लूड की वहां पे क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वहां पे दिखेंगे क्रिस्टल ऑफ द यूरिक एसिड. और क्या कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ऑफ द अफेक्टेड ज्वाइंट, वहां पे भी क्रिस्टल की जो डिपोजिशन है यूरिक एसिड की वो आपको अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी. और क्या कर सकते हो, ईएसआर लेवल चेक कर सकते हो, सीबीसी, केएफटी भी कर सकते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, और यूरिक एसिड का लेवल चेक करोगे जो कि मैंने आपको बताया नॉर्मल कितना रहता है, 250 to 750 mg. बट इन केस ऑफ गाउट कितना मिलेगा, मोर देन 750 mg इन केस ऑफ गाउट. और आप बोल सकते हो मोर देन 7.2, ठीक है, 7.2 से भी ज्यादा वहां पे देखने को मिल सकता है, 750 भी आप बोल सकते हो, ठीक है. सो ये क्या थे, ओवरऑल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दैट आर यूज्ड इन केस ऑफ गाउट, ठीक है. सबसे पहले फिजिकल, हिस्ट्री टेकिंग, एक्सरे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईएसआर, सीबीसी, केएफटी, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हो. सो एट द एंड हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट, मेडिकल, सर्जिकल एंड ऑल्सो द नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द. सो आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट. सो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नॉन फार्मेकोलॉजिकल, बिकॉज मैंने आपको बताया प्यूरिन डाइट को इंक्रीज करने से वहां पे हो सकती है यूरिक एसिड की डिपोजिशन. सो दैट्स वाई वहां पे हम देंगे लो प्यूरिन डाइट, उसको वेट रिडक्शन के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे, किसी को असिस्ट करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको उसकी हेल्प लेनी चाहिए एज अ असिस्टेंट. सो सबसे पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे ट्रीटमेंट में, एक साइड नॉन फार्मेकोलॉजिकल, नेक्स्ट हम देखेंगे अक्यूट गाउट में कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंड थर्ड वन हम देखेंगे क्रॉनिक गाउट. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल. सो नॉन फार्मेकोलॉजिकल में सबसे पहले बात आएगी लो प्यूरिन डाइट की, लो प्यूरिन डाइट. सेकेंड वन रिड्यूस या फिर रिडक्शन इन वेट, कंफर्ट डिवाइसेस. नेक्स्ट वन कंप्लीट रेस्ट, क्यों, फॉर रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर. सो ये सारी चीजें कर सकते हो नॉन फार्मेकोलॉजिकल में. नेक्स्ट बात आती है अक्यूट गाउट में कौन कौन सी मेडिसिन वहां पे लेते हैं. सो सबसे पहले आती है इंडोमिथासिन, इंडोमिथासिन 25 to 50 mg बीडी वहां पे देते हैं, ठीक है. सेकेंड वन आती है प्रेडिनोसोलोन, ये भी 25 to 40 mg वहां पे बीडी देते हैं. एंड थर्ड वन वहां पे दे सकते हैं डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन. ओके, सो ये सारी मेडिसिन कहां पे, अक्यूट गाउट, इट मीन जो सडन अटैक रहता है गाउट का उसको हम बोलते हैं अक्यूट गाउट, उसमें दे सकते हैं इंडोमिथासिन, प्रेडनोसोलोन, डिक्लोफिनेक एंड द इब्यूप्रोफेन. अब बात आती है मेन क्रॉनिक, इट मीन्स लंबे टाइम से चलती आ रही है कंडीशन. सो उसमें मेन जो मेडिसिन रहती है वो है एलोप्यूरिनोल, एलोप्यूरिनोल जो कितनी दी जाती है 100 mg ओरल, पर ओरल देते हैं, बीडी भी देते हैं, समटाइम टीआईडी भी देते हैं. क्यों, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, या फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं एलोप्यूरिनोल की डोज. ओके, सो मेनली वहां पे 100 mg देते हैं बीडी, ठीक है. सो ये सारी क्या थी, नॉन फार्मेकोलॉजिकल, अक्यूट गाउट एंड द क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट. लास्ट में हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द गाउट. सो
एट द एंड हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में एक साइड वही सेम चीज है, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू द गाउट. नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन. सो सबसे पहले क्या रहेगा यहां पे, जो गाउट की कंडीशन है उसमें हो सकता है वहां पे पेन. ओके, सो अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन. सेकेंड वन, रिस्क फॉर स्टोन रिलेटेड टू increase level of uric acid. okay, uric acid का level blood में increase हो रहा है, so obviously वहां पे crystal formation हो जाएगी, deposition हो जाएगी, that's why वहां पे देखने को मिल सकते हैं uric acid stone. third one, risk for fracture, वही same related to disease condition. fourth one, activity intolerance. ओके, सो ये सारे क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस. सो इससे रिलेटेड आप क्या क्या चीजें करोगे यहां पे, फर्स्टली प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट देनी है पेशेंट को, प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइसेस, प्रोवाइड लो प्यूरिन डाइट, providing health education related to the diet, advice to reduce the weight. ठीक है, so ये सारी क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन. सो आपने देख लिया नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द रूमेटिक अर्थराइटिस एंड गाउट की कंडीशन. सो गाइज, ये थी आपकी आज की डिजीज कंडीशन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू सो मच.